फ्रेंड्स, अभी आप जिस उजड़े चमन को देख रहे हो, ये कुछ ज्यादा ही विचित्र है। ये बिना किसी गाड़ी को देखे ही रास्ता क्रॉस कर लेता है। एक बार ये एक ऐसे शो में पहुंच जाता है जो बर्बाद होने ही वाला था। इसने उस शो की उठा उठा के मारने के लिए जो किया, उसे सुनकर आपका खड़ा हो जाएगा। इस कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे शो को देखते है जिसमे आटू झाटू सामानों को एडवर्टाइज करके उन्हें बेचा जाता था, जो किलो के भाव में बिकता था। उस शो का मैनेजर खत्री बहुत बड़ा चालबाज था, पर फिर भी उसके इस चैनल की टीआरपी कुछ ज्यादा नहीं थी। वह हर सुबह हिलाने के बाद अपने आप से कहता है, मैं बहुत बड़ा चालबाज चालू हूँ, मेरे आगे कोई अपना खड़ा तो क्या, झाट भी टेढ़ा नहीं कर सकता। और आज ऑफिस जाकर किसी न किसी को तो मैं अपनी मलाई चटवा कर ही रहूंगा। अब इतना हिलाने के बावजूद भी उसकी तरक्की नहीं हो रही थी। वो लगातार अपने घर में 5,000 टीवी को 6 महीने तक ऑन रखता है ताकि उसके चैनल की टीआरपी बढ़ सके। लेकिन इतना सब कर गुजरने के बावजूद उसके चैनल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके साथ काम करने वाले हिजड़े हमेशा आटू झाटू प्रोडक्ट का ही प्रचार किया करते थे, जिसे देखकर लोगों को ज्यादा मजा नहीं आता था। वहीं दूसरी तरफ हम खत्री को देखते है जो एक लौंडियाबाज भी था, जो अपने ऑफिस की किसी भी हसीना को अपने पप्पू का जलवा दिखा सकता था। एक दिन उसके ऑफिस में एक खूबसूरत मैडम काम पर आती है, जिसे वो इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो सुंदरी उसे अपना नाम तक नहीं बताती। खत्री ने किसी के बहकावे में आकर EMI पर एक कार ली थी, जिसकी किस्त चुकाने के लिए वो अपने दोस्त से कर्ज मांगता है। तभी उसका बॉस उसे केबिन में बुलाकर कहता है, खत्री तुझे पता है 27 साल से हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं बिका और हमारे चैनल की टीआरपी भी नहीं बढ़ी। अब मैं तुझे सिर्फ 15 दिन का टाइम देता हूँ, अगर इस बीच तूने हमारी कंपनी का जलवा जलाल नहीं किया तो मैं तेरी बिना तेल लगाए ही मार लूंगा। जिसमें खत्री कहता है, बॉस आप ये क्या कह रहे हो, सिर्फ 15 दिन, इतने दिन में आखिर क्या ही होगा, कम से कम 15 साल का वक्त तो देना चाहिए। जिसके बाद बॉस के केबिन में वही सुंदर हसीना जिसका नाम रूपमती था, वो आ पहुंचती है और बॉस के सामने लंबी लंबी फेंकते हुए कहती है, बॉस मैं आपकी पोल खोलकर रख दूंगी, इस चैनल में व्यूज बढ़ा के वॉच टाइम पूरा कर दूंगी और सबसे सब्सक्राइब करने को कहूंगी। जिसके बाद बॉस रूपमती को काम करने की पूरी आजादी दे देता है। आगे रूपमती और खत्री जब ऑफिस के काम से कहीं जा रहे थे, तभी बीच रास्ते में उनके कार के टायर को सांप डस लेता है, जिसके बाद वो दोनों सांप पकड़ने वाले को कॉल लगाते हैं, लेकिन उन दोनों के ही फोन में टावर नहीं था। जिसके बाद खत्री उस टायर को बदलने लगता है और इसे करने में रूपमती भी उसका पूरा साथ देती है। आगे हम एक ब्लैक एंड व्हाइट आदमी को देखते है जो कुत्ते के लेंडे की खुशबू लेके आगे बढ़ रहा था। तभी कुछ नौटंकी बाद छपरी आकर उस पर कुछ फेंक कर मारते है, जिसके बाद वो आदमी उन्हें पेलने की बजाय उनका धन्यवाद करता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों कार को रिपेयर कर रहे थे, तभी रूपमती की नजर उस ब्लैक एंड व्हाइट आदमी की ओर जाती है जो छपरियों की मार खाने के बाद भी उनकी ओर बढ़ रहा था। दूर से वो आदमी किसी नेता की तरह अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, हेलो दोगले इंसानों, क्या आप किसी मुसीबत में हो। तभी खत्री कहता है कि हम अपना काम खुद कर सकते हैं। जिसके बाद वो आदमी उनकी एक भी बात सुने बिना और गाड़ियों को खिलौना समझकर रास्ता पार करने लगता है। जिसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका नाम टकला सुपारी है और वो फ्री में लोगों को सर्विस देता है। खत्री उस आदमी को बहरूपिया समझ रहा था, इसलिए वो उसे कहता है कि उन्हें किसी भी मदद की कोई जरूरत नहीं और वो खुद ही कार को रिपेयर करने लगता है। टकला सुपारी का बात करने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, जिससे रूपमती उससे काफी इम्प्रेस होती है और उससे बतियाने लगती है। और जैसे ही वो दोनों गाड़ी की मरहम पट्टी करके वहाँ से निकल रहे थे, तभी गाड़ी का बेक गियर लग जाता है, जिससे टकला सुपारी की फटकर 4 हो जाती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। रूपमती और खत्री दोनों उसे उठाने का बहुत प्रयास करते हैं, पर फिर भी वो नहीं उठता। फिर वो दोनों मिलकर उसे एक खैराती अस्पताल में ले जाते हैं। आगे जब उनसे टकला सुपारी के इलाज के लिए रिश्वत मांगी जाती है, जहाँ खत्री कहता है कि मैं तो खुद ही भिखारी हूँ और हमने तो बस इसकी मदद की, हम तो इसे जानते तक नहीं, हमने तो बस इंसानियत की खातिर इसे यहाँ लाया। जब हॉस्पिटल का स्टाफ नहीं मानता तो उन्हें मजबूरन उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। आगे एक चपड़ गंजू आकर उनके सामने टकला सुपारी का हाल बताता है और कहता है कि टकला सुपारी के टकले को रिपेयर करने के लिए उसे आज रात यहीं रखना होगा। आगे वो दोनों अपना पूरा दम लगाकर एक डिटर्जेंट की एड करते हैं। इतनी मेहनत के बाद भी उनके चैनल की टीआरपी 32 से 36 तक ही जाती है। तभी खत्री को टीवी में कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, जो एड करने वाली महिलाओं से अपने कपड़े को धोने के लिए कहता है। ये सब देख के खत्री का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो शो को लाइव चला रहा था, जिस वजह से वो टकला सुपारी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। इसके बाद वो कैमरामैन से कैमरे के एंगल को चेंज करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो मौका पाते ही टकला सुपारी को शो से निकाल फेंकता है। आगे खत्री टकला सुपारी को अपने केबिन में बुलाकर कहता है, तेरी कहीं हटी तो नहीं, तू टीवी में अपने टकले पर तेल लगाकर क्यों घुसा। अब खत्री जब टकला सुपारी को 4 बातें सुना रहा था, तभी वहां पर रूपमती आ पहुंचती है। आगे टकला सुपारी उन दोनों से कहता है कि मैं तो तुम दोनों को यहाँ पे थैंक यू कहने आया था, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मेरे अस्पताल का बिल दिया है। जैसे ही मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि वो मेरा भी धो देंगी। जो सुनते ही खत्री उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चल मैं तुझे अभी बाहर का रास्ता दिखाता हूँ, जो कहकर वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी रूपमती टकला सुपारी से कहती है कि डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि 2 हफ्ते के बाद वो फिर से मेरा लेंगी, तब तक मुझे यहीं कहीं रहकर अपनी तमन्ना पूरी करनी होगी। तभी रूपमती कहती है कि आखिर तुम इतने दिन कहाँ रहोगे। जिसमें टकला सुपारी कहता है, किसी
कोठे पर रह लूंगा या किसी फुटपाथ पे, नहीं तो 150 में रात भर कोई ना कोई तो मेरे रॉकेट की सवारी कर ही लेगा। ये सुनते ही रूपमती कहती है कि नहीं, तुम कोठे पर नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ सोओगे। जो कहकर वो उसे अपने साथ रखने के लिए राजी करती है। तभी हमें पता चलता है कि खत्री रूपमती को अपना दिल दे बैठा था और वो ये नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और रूपमती को निहारे। इसलिए वो न चाहते हुए भी कहता है कि इसके पीछे उसकी गलती है, इसलिए वो टकला सुपारी को अपने साथ सुलाएगा। जिसके बाद वो उसे लेकर अपने घर आ पहुंचता है और अपने सिक्स पैक एब दिखाते हुए जमीन पर सो जाता है, जिसे देखकर खत्री सोचता है कि आखिर ये क्या बला है। अगली सुबह जब खत्री नींद से उठता है तो वो देखता है कि टकला सुपारी शिकंजी का मजा ले रहा था, जिसके बाद खत्री भी उसे ज्वाइन कर लेता है और नींबू निचोड़ के शिकंजी का मजा लेता है। तभी टकला सुपारी अपनी जबान खोलते हुए कहता है कि उसने इस शिकंजी को और टेस्टी बनाने के लिए अपना तरल पदार्थ इसमें मिला दिया है। जिसे सुनते ही खत्री उस शिकंजी को बाहर निकालने लगता है। टकला सुपारी को ये देख के काफी मजा आता है, लेकिन खत्री की इन सब से फटकर चार हो जाती है। शाम के समय खत्री टकला सुपारी को एक कमरे में बंद करके बॉस के घर में हो रही पार्टी में पहुंचता है, जहां पर देश के अमीर नेता और गरीब सेलिब्रिटी आए हुए थे। तभी वो देखता है कि टकला सुपारी भी वहां पहुंच चुका था, जो उन्हीं गंदे कपड़ों को पहनकर उस पार्टी में पहुंच चुका था। खत्री उसे वहां से खदेड़ने की बहुत कोशिश करता है, पर वो बाहर जाने की बजाय वहीं पर सीरियल देखने लगता है। तभी वो रूपमती को देखता है जो उस पार्टी में आई हुई थी, जिसके बाद वो बेकाबू होकर उससे बात करने आ पहुंचता है। तभी कुछ जाने माने सेलिब्रिटी खत्री से टकला सुपारी के बारे में पूछते हैं, जिसमें खत्री कहता है कि वो उसका योगा टीचर है। अब टकला सुपारी को बाबा राम रहीम की तरह योगा तो नहीं आता था, जिसके बाद वो अपनी बत्ती जलाकर एक बुड्ढे को अपने वश में करने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उन लोगों को जादू का खेल दिखाने लगता है और डोरी नाम के एक आदमी को उसकी घड़ी देने के लिए कहता है, जिसके बाद टकला सुपारी उस घड़ी को एक कपड़े में लपेट कर उसकी धुलाई करता है। ये देख के डॉली को लगता है कि टकला सुपारी ने डॉली का चुस्सा बना दिया, इसलिए वो उसे अपना 10 का दम दिखाने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर उसके हाथ पर जाती है, जिस पर वो घड़ी किसी हथकड़ी की तरह लटक चुकी थी। अगले दिन जब टकला सुपारी अकेले अकेले नहाने का मजा ले रहा था, तभी खत्री उससे कहता है कि अगर तुम मेरे शो में आकर अपना कमाल दिखाओगे तो सोचो हम कितना पैसा छापेंगे, और तुम तो जानती ही हो कि कल पार्टी में कैसे तुमने डॉली का चुस्सा बना दिया, और अगर तुमने इसी काम को आगे बढ़ाया तो पूरी दुनिया से लोग आकर तुमसे इस काम को सीखेंगे। जिसमें टकला सुपारी खत्री से अपना कच्छा उतारकर पानी में आने के लिए कहता है और खत्री की खतरनाक चीज देखकर इस काम के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन उसके टकले को चमकाकर कैमरामैन को फोकस करने के लिए कहा जाता है। उसके सामने एक टीवी में उसका डायलॉग लिखा हुआ था, फिर भी टकला सुपारी कुछ बोल नहीं पाता। अब थोड़ी माता बच्ची करने के बाद टकला सुपारी दूसरे कैमरे की तरफ जाता है, जहां एक लड़की किसी डायन की तरह एक्टिंग करके किसी फेशियल डोनर का एड कर रही थी। ये एक ऐसा प्रोडक्ट था जो 80 साल की बुढ़िया को 40 साल की महिला जैसा दिखा सकता था। आगे टकला सुपारी मजा लूटने के लिए रिमोट से उस लेडी को कंट्रोल करने लगता है और उस औरत को डायन से चुड़ैल बना देता है। फिर वो तीसरे कैमरे की ओर जाता है, जहां किसी कटर मशीन का एड चल रहा था। वो किसी से ज्ञान लिए बिना ही उस कटर से टेबल के 2 टुकड़े कर देता है, जो करके वो आनंद की चरम सीमा तक पहुंच जाता है। उधर से रूपमती और खत्री ये सब देख रहे थे। अब अपने सामने अपना दिवाला निकलते हुए देख अगले ही दिन उसका बॉस उसकी मार के उसे काम से निकाल देता है। और जैसे ही खत्री वहां से जा रहा था, तभी रूपमती उसे बॉस के पास लेकर जाती है, क्योंकि पिछले दिन टकला सुपारी ने जो कारनामा किया उससे उनके शो की टीआरपी 36 से 56 तक पहुंच चुकी थी। ये जानकर बॉस गदगद हो चुका था और उन्हें एक बोतल रोज का देता है और खत्री को वापस काम पर रख लिया जाता है। आगे हम उसी रात हम उस बॉस के घर में डॉली को देखते हैं, जो बॉस से उस नेटवर्क को मांगता है और कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ, सुनिए बॉस, 18 महीने के अंदर मैं इसे फिर से रिडिजाइन कर इसे व्यवस्थित कर आपका चैनल बड़ा कर दूंगा। जिसे सुनकर बॉस उसकी बातों में आ जाता है और खत्री को अपनी कंपनी से निकालने के लिए रेडी हो जाता है। अगले दिन रूपमती और खत्री दोनों मिलकर टकला सुपारी से खूब प्रचार करवाते हैं। टकला सुपारी जो कि काफी सीधा साधा था, वो प्रचार के बीच में खत्री की फोटो दिखाते हुए कहता है, दोस्तों ये वो हलकट है जिसके लिए मैं काम करता हूँ, इसने दिन रात करके अपना बहाया है पसीना, इसलिए आप इसे हल्के में मत लेना। इसके बाद ऐसे ही प्रचार करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और उनके चैनल की टीआरपी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। टकला सुपारी फव्वारे वाले शौचालय से लेकर बर्तन भांडे तक का ऐड करता है, जिससे वो बहुत ही कम समय में फेमस हो जाता है और दुनिया के कोने कोने में उसके फैन घूमने लगते हैं, जिसके बाद वो एक सेलिब्रिटी बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी तरक्की देखकर डॉली जल भुनकर राख हो जाता है, इसलिए वो टकला सुपारी के बारे में पता करने की कोशिश करता है, आखिर में वो है कौन और यहाँ करने के आया है। उसी रात खत्री टकला सुपारी को एक पार्टी में लेकर गया था, जहाँ टकला सुपारी डीजे की धुन पर ठुमका लगाता है। पार्टी खत्म होने के बाद खत्री जब रूपमती को छोड़ने उसके घर गया था, तभी वो एक दूसरे से अपने नैन लड़ाते हैं और खत्री मौके का फायदा उठाकर रूपमती को वहीं पेल देता है। अगली सुबह ऑफिस के बाहर पत्रकारों के सामने एक औरत अपने आधे दर्जन बच्चों के साथ दावा करती है कि टकला सुपारी ही उसका पति परमेश्वर है और वो सभी बच्चे उन दोनों की मिली भगत से इस दुनिया में आए हैं। इससे देशों दुनिया के सभी लोग टकला सुपारी के ऊपर शक करने लगते हैं। तभी वहाँ टकला सुपारी की एंट्री होती है
और वो सभी के सामने उस औरत को अपनी धर्म पत्नी मान लेता है और वो सभी बच्चे भी उसकी पैदावार है। ये सुनते ही उस औरत की फटकर चार हो जाती है और वो बताती है कि ये सब एक झूठ था जो डॉली नाम के एक बदमाश आदमी ने उससे कहने के लिए कहा था, जिसके लिए डॉली ने उसे पैसे भी दिए थे। दरअसल कई साल पहले टकला सुपारी उस औरत के घर में रहता था और उसने उस औरत की काफी मदद भी की थी, जिस वजह से वह औरत उससे झूठ नहीं कह पाती। अब इतना सब होने के बाद टकला सुपारी का डंका पूरी दुनिया में बजने लगता है। अब वो इतना फेमस हो चुका था कि उसका प्रचार किया हुआ सामान तुरंत बिक जाता था। अब वो चैनल टकला सुपारी का फायदा उठा रहा था जबकि टकला सुपारी अपनी सर्विस फ्री में दे रहा था। अब उसकी बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग को देखकर उस कंपनी का बॉस खत्री को टकला सुपारी का एक शो होस्ट करने के लिए कहता है, जिसे करने के लिए उन्हें एक एग्रीमेंट पर टकला सुपारी के सिग्नेचर की जरूरत थी। जहां बॉस खत्री से कहता है कि अगर वो इस काम को करने में कामयाब हो जाता है तो वो उसे घोड़ा गाड़ी और 10 किलो पेट्रोल फ्री में देगा। जिसके बाद खत्री लालच में आकर इस काम के लिए हाँ कर देता है और एक दिन मौका पाकर टकला सुपारी को अपनी बातों में बहला फुसला कर उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करवा लेता है। और जब आधी रात में रूपमती को इस बारे में पता चलता है तो वो खत्री के इस लालची स्वभाव को देखकर उससे अपने अगले पिछले सभी रिश्ते तोड़ देती है। अब वादे के मुताबिक बॉस खत्री को घोड़ा गाड़ी और 10 किलो पेट्रोल दे देता है, लेकिन खत्री को फिर भी मजा नहीं आता क्योंकि उसने एक सीधे साधे आदमी को अपने जाल में फंसाया था। फिर वो सोच विचार करता है कि आखिर वो टकला सुपारी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इसीलिए वो सो से पहले टकला सुपारी को सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसने उसे लालच में आकर धोखा दिया। तभी टकला सुपारी कहता है कि जब वो उस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर रहा था तो उसे सब पता था। ये सब सुनते ही खत्री टकला सुपारी को उस शो को किए बिना ही वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद जाकर सभी दर्शकों को सारी सच्चाई बताता है और साथ ही वो टकला सुपारी के साफ सफाई वाले दिल के बारे में सभी को बताता है। वहीं दूसरी तरफ रूपमती भी यह सब देख रही थी और वह हंसते खिलखिलाते खत्री से मिलने निकल पड़ती है और खत्री से अपना दिल लगाकर उससे अपना प्यार का इजहार करती है, जिसके बाद वो दोनों चुम्मा चाटी करते हैं और अगले दिन वो टकला सुपारी को अलविदा कहकर उसे वहीं छोड़ देते हैं जहां वो उससे पहली बार मिले थे। जिसके बाद टकला सुपारी पूरी दुनिया घूमने निकल पड़ता है, जिसके बाद इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।